बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उनको भी तय किया गया है, या तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। जब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने का आहट होता है तब तब भ्रष्टाचारी सचेत होते हैं और सब लोग एक होने का प्रयास करते हैं। जिस तरह मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश में मोदी सरकार जब तक है, इस देश में भ्रष्टाचारी कोई बच नहीं सकता है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह आज बिहार में जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बना प्रधानमंत्री जी, तो बिहार में भी अब कानून के राज को और ताकत देने का काम किया गया। ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने जो संकल्प लिया 2014 में, 2019 में उसका 99% काम पूरा करने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जमुई की पावन धरती पर मैं एक मतदाता होने के हैसियत से भी इस देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जमुई की इस पावन धरती पर स्वागत करने का काम करता हूं। आज इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के गार्जियन और बिहार के जिन्होंने विकास करने का काम किया आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, इस मंच पर उपस्थित उपेंद्र कुशवाहा जी, विजय सिन्हा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आए साथियों, और बिहार में चुनाव की शुरुआत किया है इन्होंने आज। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने जो संकल्प लिया 2014 में, 2019 में उसका 99% काम पूरा करने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की रक्षा किया, देश का महान सम्मान बढ़ाने का काम किया और गरीबों का कल्याण करने का काम किया। आज गरीबों को 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी जब से डबल इंजन की सरकार बनी साथियों, देश में जिस तरह गारंटी थी कि 5 किलो अनाज सभी गरीबों को मिलेगा, उसी तरह बिहार में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 लाख तक का इलाज भी, मुफ्त इलाज उन सभी साथियों को देने का काम किया जाएगा। इसलिए गरीबों के कल्याण की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं। और लगातार ये जो गारंटी शब्द आया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश में भ्रष्टाचारी लगातार चिंतित रहते हैं। जब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने का आहट होता है तब तब भ्रष्टाचारी सचेत होते हैं और सब लोग एक होने का प्रयास करते हैं। जिस तरह मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश में मोदी सरकार जब तक है, इस देश में भ्रष्टाचारी कोई बच नहीं सकता है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह आज बिहार में जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बना प्रधानमंत्री जी, तो बिहार में भी अब कानून के राज को और ताकत देने का काम किया गया, और अपराधी जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है उनको भी तय किया गया है, या तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। इसलिए आज जमुई की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा बिहार एनडीए आपके साथ खड़ा है। और पिछली बार एक सीट हम लोगों से छूट गया था, हम लोग 40 की 40 सीट देकर आपको फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।